फ्रेंड्स, अक्सर आप ये सेंटेंस किसी लीडर के जुबान से सुन सकते हैं कि मैं तुम्हारा ट्रांसफर करवा दूंगा। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस जहां हम कहते हैं कि मैं तुम्हारा ट्रांसफर करवा दूंगा, मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा, मैं तुम्हें किडनैप करवा दूंगा, मैं तुमको एग्जाम में पास करवा दूंगा। तो आइए फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस जो अक्सर हमें अपने डेली लाइफ में बोलना पड़ता है, देखिए कैसे बोलना है। फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे, यानी आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद will have, फिर आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद आप थर्ड फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस को हम कॉजेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात पता है, क्योंकि कॉजेटिव वर्ब वाले लेसन तो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि आप वो वीडियो देखें और आपको ये बात पता है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में कुछ प्रैक्टिस करते हैं, ताकि अगर आपको इस तरह के सेंटेंसेस बोलना हो तो आप कहीं पीछे न रह जाएं। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो मैं तुम्हारा ट्रांसफर करवा दूंगा, तो आप कहेंगे आई हैव यू ट्रांसफर्ड, यानी मैं तुम्हारा ट्रांसफर्ड करवा दूंगा, मैं तुम्हें सजा दिलवाऊंगा आई हैव यू पनिश्ड, मैं तुमको गिरफ्तार करवाऊंगा आई हैव यू अरेस्टेड, मैं तुम्हारा अपहरण करवा दूंगा आई हैव यू किडनैप्ड, यानी मैं तुम्हारा किडनैप्ड करवा दूंगा, मैं तुमको पिटवाऊंगा आई हैव यू बीटन, मैं तुम्हारी मदद करवा दूंगा आई हैव यू हेल्प्ड, मैं तुम्हें एग्जाम में पास करवा दूंगा आई हैव यू पास्ड इन द एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के सेंटेंसेस को आप बड़े आराम से बोल पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा, तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं? दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।